नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। फाइनली बात करेंगे प्यारे दोस्तों एनडीए ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। बार बार स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आउट किया जाएगा। फाइनली इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों। अभी इसके जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होने वाली है सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। वेटिंग लिस्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है, और ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि डिफेंस रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती निकलती है सबसे पहले और सबसे फास्टली एके डिफेंस एकेडमी या सरकारी रिजल्ट के ऊपर सबसे पहले आ जाती है। तो चलते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट की और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करने ताकि उनके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, ये एनडीए की ऑफिशियली वेबसाइट है, देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि अपलोड कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिस्ट अपलोड की गई है। आज के दिन ही 19 अप्रैल को ये अपडेट जो कि पब्लिश की गई है, इसके जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, सभी कैंडिडेट अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट, अब ये कैंडिडेट फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है। अभी आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा जो कि आपका पुणे में ही कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ससून में आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है एनडीए वाले खुद भी इसका जो मेडिकल कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें दोस्तों, जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन लिया है उन सभी का यहाँ पर लिस्ट जो कि जारी की गई दोस्तों, ठीक है। प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि यहाँ पर देख सकते हो, मार्च में आप सभी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी अपना कैंडिडेट अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एमटीएस के कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, देख सकते हो, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट का नाम नहीं है और जिनको ये पता था कि मेरा सिलेक्शन श्योर था, तो वो आप आरटीआई लगा के कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। आरटीआई भी लग सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दीपक नाम से तीन तीन कैंडिडेट सेलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन इनका जो इंडेक्स नंबर है वो अलग अलग है, ओके। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना नाम है, पूरी की पूरी लिस्ट है वो मैं आप सभी को दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने इसको अपलोड कर दिया, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। पूरी की पूरी जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे डाल रखी है, देख सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दी है। जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, भगवान करे आपका दिन ऐसे ही चमकता रहे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। ड्राइवर में यहाँ पे तीन कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए दोस्तों, अंकित यादव है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फायरमैन में यहाँ पे दो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद एलडीसी में देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर के देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसी है। साइबर साइकिल रिपेयर की, ये सब कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए दोस्तों, ठीक है। सभी अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हो, लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी है जितने भी कैंडिडेट है। अब इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है, जी हाँ दोस्तों, ज्वाइनिंग आपकी मई महीने में, ठीक है, मई महीने में आप सभी की ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी दोस्तों। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, जिसके भी पुराने एससी एसटी और ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवा लीजिए दोस्तों, ठीक है, अपडेट करवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। जिनका 5 साल से पुराना हो गया वो दोबारा से अपने नए डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, ठीक है, और साफ़ सुथरे क्लियर फ़ोटो लेके जाने हैं, ओके। जल्द ही आप सभी के पास में ऑफलाइन तरीके से बाय पोस्ट तरीके से लेटर आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में पता करते रहिए, ओके। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अब फाइनल सिलेक्शन है, अब कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा। इन सभी की ज्वाइनिंग है जो कि आउट हो चुकी है, ओके, मई माह में आप सभी की ज्वाइनिंग है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी, ओके। मिलेंगे ऐसी अपडेट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।